जब प्रधानमंत्री जी यूरोप में घूम रहे थे, क्योंकि दिल्ली में बड़ा पावर कट है, गर्मी भी है, उसी समय यूरोप की एक संस्था, वैश्विक संस्था जिसका हेडक्वार्टर यूरोप में है, वो कह रही थी कि दुनिया में झूठ बोलने में नंबर दो स्थान है भारत का। हालांकि उस संस्था, भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि हमने झूठ बोलने में पाकिस्तान को हरा दिया, क्योंकि पाकिस्तान हमसे पीछे है झूठ बोलने में। पर हिंदुस्तान ने जो कोविड की डेथ्स है उसको दुनिया में नंबर दो स्थान पर झूठ बोला है। ये WHO का आंकड़ा है, मेरा, आपका, किसी और का नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी प्रामाणिकता पर, विश्वसनीयता पर दुनिया का हर देश विश्वास करता है, वो कहती है कोविड की मौतों के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे झूठा डाटा भारत सरकार ने दिया। ये मेरा नहीं, भारत सरकार के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। उनका ये कहना है कि 2020-21 में भारत सरकार ने 4,81,000 कोविड डेथ्स दिखाई, जबकि वास्तव में 47,47,00,000 कोविड की डेथ हुई। मतलब जितनी भारत सरकार ने डेथ दिखाई उससे 10 गुना ज्यादा कोविड की डेथ्स भारत में हुई। हमसे आगे झूठ बोलने के मामले में सिर्फ एक ही देश है जिसने 11 गुना बताई, हम थोड़ा सा चूक गए प्रथम स्थान आने में। और ये एक डेटा नहीं है वैश्विक, दूसरा एक और डेटा आपको देता हूं। लैंसेट ने एक स्टडी करी, और लैंसेट जब स्टडी करता है तो पूरे रिसर्च पैमानों का ध्यान रखा जाता है। उस लैंसेट की स्टडी में यह बताया गया 40,70,000 लोग कोविड के दौरान 2021 में भारत में जिनका स्वर्गवास हुआ। तो 40,70,000 एक वैश्विक संगठन बता रहा है, WHO 47 लाख बता रहा है, और बाकी जो प्रामाणिक और संस्था है, क्योंकि हमने देखा है